विनर हो, बाय बाय, टेक केयर। तो उन्होंने आराम किया इस शोर से। हाँ ये लो जी, वेलकम टू भानी हाल। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, ठीक से खुश बच्चे, दिस इज ओलेदर इज मीर एंड वेलकम बैक टू माय न्यू फ्रेश ब्लॉग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। तो जी अभी हो रहे हैं जी सुबह के 10, और मैंने प्लान किया था मैं सुबह 8 बजे निकलूंगा, लेकिन भाई साहब बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है ना, क्या बताऊँ मैं। तो जी सामान मैंने सारा ऑलरेडी पैक कर दिया है बाइक पे, और हम जा रहे हैं जी एक टूर पे, बहुत ही ज़बरदस्त लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं, जिसका मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था। और मैंने अपने जैकेट पर भी थोड़ा कस्टमाइजेशन की है, ये देखो अब कैसा लग रहा है, ये बैक साइड से मैंने इस पर लिख दिया है, ये देखो कितना ज़बरदस्त, ये मैंने खुद से किया है, इसमें जो हम अपने हुडीज़ वगैरह पे करते हैं उसी में से मैंने इसमें भी कर दिया है। तो अभी चार्जर्स वगैरह लेते हैं और ये सारा सामान समेटते हैं और निकलते हैं अपनी राइड पे। मैं आपको अपनी बाहर जो है ब्लैक ईगल दिखाता हूँ। ये रेजी हमारी ब्लैक ईगल बिल्कुल रेडी, सारा सामान जो है वो लोड हो चुका है इस पर, और अब ये बाइक से सीधे जहाज़ बन चुकी है, और इसका ये पीछे लोगोज़ वगैरह ख़राब हो चुके हैं, ये भी ठीक करवाने, तो बाकी परफेक्ट हो गई। पेट्रोल वगैरह फिल हम रास्ते में कर देंगे, पहले बाइक को बाहर निकालते हैं और यहाँ पे गाड़ी लेके आते हैं, और जैकेट वगैरह मैंने निकाल दिया सारा बाहर, और यहाँ पे गाड़ी लगा देंगे और बाइक बाहर निकाल देंगे। बाइक थोड़े पास आया जाए, इसका बाइक था भी आज जाए निबर, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर। बिस्मिल्लाह तवक्कलत अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सुभानल्लज़ी सखर लना हाज़ा मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सो जी पहले मैं जाऊंगा एटीएम पे, उसके बाद हम पेट्रोल फिल करेंगे क्योंकि टैंक बिल्कुल खाली है, टैंक फिल करनी है। और अब जाके मौसम थोड़ा ठीक हुआ है, सुबह से भाई बहुत ज़्यादा ठंड थी। मेरा इरादा था कि मैं 8 बजे निकलूँगा, लेकिन अभी शायद 10 बज रहे हैं, कितना टाइम आ रहा है, और अभी टाइम आ रहा है 11। मैं 11 बजे निकला घर से और मुझे पहुंचना है जी लुधियाना। आज का हमारा सफ़र जो है वो लुधियाना का है। तो पहले मैं यहाँ पे एटीएम पे जाऊँगा, एटीएम से कैश निकाल के फिर आगे हम पेट्रोल वगैरह फिल कर लेंगे। भाई ये हेलमेट निकालना पहनना बड़ा मुश्किल है इतने हैवी लोड के साथ। फुल करो, सलाम ठीक ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे लग रही है जी बहुत ज़्यादा ठंड हाथों में, मेरे हाथ बहुत ठंडे हो गए हैं, मुझे ग्लव्स जो है वो चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ रुक जाता हूँ ग्लव्स चेंज करने के लिए, फिर आगे जाते हैं, क्योंकि ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा राइड करने में। जल्दी जल्दी से ग्लव्स चेंज कर देता हूँ। जब भी आप यहाँ संग्रामा साइड से आओ तो यहाँ मस्जिद को ज़रूर हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं बन रही है, इस साइड से बनी थी राइट साइड से, लेकिन अब लेफ्ट साइड से उन्होंने की है। तो प्लीज़ जब भी यहाँ से आए, और तो मेरी सांस नहीं रुक रही, जब भी यहाँ से आए, संग्रामा में है ये, तो ज़रूर से हेल्प कीजिएगा, क्योंकि इनको बहुत टाइम हो गया मस्जिद शरीफ बनाते हुए और बहुत खूबसूरत बना रहे हैं, तो हेल्प ज़रूर कीजिएगा। यहाँ कोई सब्सक्राइबर्स ने रोक लिया है, पहले रुक जाते हैं एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ठीक सर, ठीक सब ठीक, अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक है सर, ठीक है घर में सब ठीक, थैंक यू, आप भाई है यार, और आप ठीक सर, ठीक। चलिए हेलमेट मैं नहीं निकाल सकता अभी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अंदर से लगा के उस भाई, ये आप सब लोगों का इतना ज़्यादा प्यार है, इतना आगे लेके जा रहा है, इंशाल्लाह आप ऐसे ही प्यार बना के रखें। मैं आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहें दिखाऊँगा, खूबसूरत खूबसूरत प्लेसेस पर लेके जाऊँगा इंशाल्लाह, आप अपना प्यार जो है बनाए रखें। यहाँ से हम एंटर करेंगे श्रीनगर जम्मू बाईपास, श्रीनगर जम्मू हाईवे, यहाँ से है जी जम्मू 255 और पांपोर है 13। आज बहुत टाइम बाद राइडिंग की ना, मेरी गर्दन थक गई हेलमेट से भाई साहब, गर्दन में दर्द हो रहा है अब तो। ये जो आप दोनों साइड से खेत देख रहे हैं, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी, ये सारे खेत जो है ये ज़ाफरान के हैं, ये पूरी ज़मीन जो है ज़ाफरान की है, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी।
ये वाला हाईवे जो है ये शायद 8 लेन है, ये अनंतनाग से पहले 20 किलोमीटर है। मुझे इस जगह का एग्जैक्ट नाम नहीं पता, अगर आप लोगों को इस जगह का नाम पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये शायद 8 लेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 लेन है ये, और इसमें बीच में डिवाइडर वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सीधा रास्ता है। ये शायद वो इमरजेंसी लैंडिंग वगैरह के लिए है, पूरा पता नहीं मुझे, अगर किसी को पता है ये क्यों बना है तो जल्दी से कमेंट करो। यहाँ आगे से शायद कॉन्वॉय आ रही है, वो अभी होगी लगभग बानिहाल में और हमें अनंतनाग में रोका है। बस अब एक साइड का ट्रैफिक पूरा रोका है और कॉन्वॉय को उस वाली साइड से अपोजिट साइड से आना है। बस बैठे रहो आप 1-2 घंटे, थोड़ा धूप के मजे लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक अपोजिट साइड से जो कान में आएगी वो निकलेगी। चलो जी करते हैं वेट। आज ही जल्दी छोड़ा, लगभग 15-20 मिनट के बाद ही छोड़ दिया। तब तक मैंने फेसबुक पे स्टोरीज वगैरह अपलोड कर दी और चेक कर रहा था टेक्स्ट वगैरह, तो आप सब लोगों ने ऑर्डर्स किए हैं ब्लैक ईगल के लिए, ब्लैक ईगल आपके लिए जो है ऑलरेडी अवेलेबल हो गया है, तो आप वो ऑर्डर कर सकते हैं। भाई आगे हिमालयन रेंज क्या ही खूबसूरत लग रही है, भाई साहब क्या खूबसूरत पहाड़ है। मुझे नहीं पता आपको कैमरा में दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन भाई इतनी ज़्यादा बर्फ और इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं ना। बस आगे किसी जगह अब रुक लेता हूँ मैं, एक तो चाय पी लेंगे और मैं नमाज भी पढ़ लूँगा, अभी जोहर का टाइम हो रहा है। यहाँ से कुछ ज़्यादा ही बर्फ़ हो गई है, हमारे यहाँ से इतनी बर्फ़ नहीं थी, हमारे यहाँ से तो नामो निशान नहीं है बर्फ़ का। यहाँ से देखो बर्फ़ कितनी है अभी, और पहाड़ों से देखो यहाँ पे, हमारे यहाँ तो पहाड़ों से भी खत्म हो गई बर्फ और यहाँ से इतनी ज्यादा बर्फ। अभी जी हम पहुंचे हैं बानिहाल टनल के पास, ये देखो कितना खूबसूरत है। मेरा तक बोया निकिंद बैठा स्तंभ तक बैल गिंद, क्या खूबसूरत है भाई। अजान भी हो गई है। इस टनल की खास बात एक है ना, ये खूबसूरत, ये टनल बहुत खूबसूरत है, और दूसरी चीज़ ये सिंगल टनल है, मतलब वन वे, यहाँ से बस मैं जाऊँगा अभी, दूसरा साइड जो है उसके उसके लिए अलग टनल है, मज़ा आ जाता है इसमें बाइक चलाने में। भाई इतना शोर है ना टनल में, इतना ज़्यादा शोर, बस हम निकलने वाले हैं बाहर टनल से। और भाई कानों ने आराम किया इस शोर से। हाँ ये लो जी वेलकम टू बानिहाल, देखो जी कितनी बर्फ है यहाँ से, बानिहाल में ज्यादा बर्फ होती है। भाई इतना शोर। अभी फिलहाल के लिए हमारा 4 लेन खत्म हो गया यहाँ पे, और यहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर के करीब हमें ऐसा ही रोड मिलेगा, खराब रोड, ऑफ रोड, नो रोड, लैंडस्लाइड्स, तो ये 60 किलोमीटर वैसे ही होंगे। और अभी तक मैंने किए हैं 143 किलोमीटर्स अभी तक मैंने कर दिए हैं, और अभी तक मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया, तो मतलब आज बहुत टाइम बाद राइड की और 143 किलोमीटर चलाए, तो ये तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है यार, मतलब अभी बाइक चलाने में भूला नहीं हूँ। तो अभी देखते हैं कोई जगह रुकने के लिए, फिलहाल कोई जगह ही नहीं मिल रही है मुझे, लेकिन ठंड का क्या करें भाई, ये कहाँ कहाँ से घुसती है ये ठंड समझ ही नहीं आता। वो एक जोक है ना कश्मीरी में, जब एक बंदे को फेरन लगा के था, अब उसमें 2-3 वो छेद हो गए थे, तो अब बहुत ठंड थी ना, चले कलान चल रहा था, तो उसको उन छेदों से जो है ठंड आ रही थी फेरन के अंदर से, तो उसने एक छेद बंद किया तो दूसरे छेद से हवा आ रही थी और उसको ठंड लग रही थी, ऐसे ही उसने एक एक करके सारे छेद बंद कर लिए, हवा आ रही थी। उसके बाद जब उसको गुस्सा आ गया, उसने क्या किया, उसने फेरन ही निकाल दिया और बोला वाले तेरी इका पोरी, मतलब आजा ठंड अब घुस, अब कहाँ से घुसेगी। तो इसको वही हो गया है भाई। बस अभी हमें यही ऑफ रोड देखने को मिलेगा फिलहाल 30-35 किलोमीटर तक, और ऐसे ही लैंडस्लाइड वाला एरिया, बस इन जगहों से हमें जल्दी जल्दी निकलना है। भाई ये आगे वाला क्या चला रहा है, अगर आपने श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पे ये सब नहीं देखा ना, दैट मीन्स आपने कभी ट्रैवल ही नहीं किया है। भाई कितनी दूर है, यहाँ पे रुकते हैं जी,
कुछ खाने वगैरह के लिए और फिर आगे चलते हैं क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। अभी जी मैं रुका हूँ पीरा में, ओल्ड पीरा, जहाँ राजमा चावल मिलते हैं, तो यहीं पे मैंने राजमा चावल जो ऑर्डर करवाए। मैं इतना तेज चल रहा था ना, क्या बताऊँ मैं, और रास्ते में इतना, मैं तो कब का पहुँचा, मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था रास्ते में। यहाँ का राजमा चावल बड़ा फेमस है पीरा का। हाँ आप भी खा लो, आ जाओ। लेकिन गर्दन थक गई यहाँ तक आज यार, रोड खराब है ना, वहाँ रोड बड़ा खराब है यहाँ तक। कैसा रहा जी आपका सफर, मजा आया क्या? खाक मजा यार, भाग रहे थे हम, भाग रहे थे। हाँ यहाँ के दाल चावल खाओ, हाँ घी के बगैर थोड़ी खाएंगे। जो जो यहाँ का, और अदरीस भाई जी भाई, ये यहाँ का फेमस है दाल चावल, तो ये ट्राई कर लेते हैं। हमने देखा आपको, हमने मारा वापस यू टर्न, अच्छा किया, वहाँ आगे खाना भी खा लेंगे। हमें लगा अभी आप पीछे हो कहीं, अरे नहीं, मुझे लगा आप काजीगुंड में रुके शायद। कंफर्टेबल बाइक है ना। तो जी लंच वगैरह हो गया, अब यहीं से आगे की तरफ चलते हैं। आज भाइयों ने ही लंच करवा दिया, इन्होंने ही पेमेंट वगैरह कर दिया, तो यहाँ पे दाल चावल बड़े बड़े ज़बरदस्त मिलते हैं घी लगा के। अब चलें आगे या रुके थोड़ी देर? अरे कमर मुझे सीधी करनी है, आप क्यों कर रहे हो? कमर सीधी करने का हक मेरा है अभी, है ना। रास्ता इतना ख़राब था ना ऊपर से भाई, बहुत ख़राब था। चले फिर, चलिए 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 आगे मिलते हैं। यहाँ से आगे बड़ा ट्रैफिक है यार, हम साइड वाइड से निकल जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। भाई बहुत ज्यादा गंदे ट्रैफिक जाम में फंस गए, बहुत ज्यादा। ये पूरा एरिया जो है लैंडस्लाइड वाला एरिया है, यहाँ से बस निकल जाए हम जल्दी से, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत है यार, कितना खतरनाक एरिया है ये। यहाँ से जल्दी जल्दी से निकल जाए हम भाई, पैर तो बाइक पे रख ही नहीं सकते, पैर नीचे रखने पड़े। अभी है जी जम्मू, यहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर के करीब। मेरी मासी जो है खाला, वहाँ से जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रही है, तो अभी मैं उनका वेट कर रहा हूँ। और अभी नमाज का भी टाइम है, तो अभी नमाज़ पढ़ लेता हूँ मैं। मुझे जोहर भी पढ़नी है और असर भी, तो दोनों मिला के अब पढ़ेंगे और वज़ू बनाएंगे और यहीं पे नमाज़ पढ़ेंगे, फिर जो है आगे की तरफ चले जाएंगे। ये इस जगह पे मैं रुका हुआ हूँ, बड़ी खूबसूरत जगह है और धूप भी अच्छी निकली हुई है, तो यहीं पे साइड में किसी जगह मैं नमाज़ पढ़ लूँगा। अभी बस यहाँ से थोड़ा ही सफ़र रह गया और हम जम्मू पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह, और आज स्टे हम जम्मू में करेंगे और कल सुबह मैं इंशाल्लाह फिर लुधियाना की तरफ निकल जाऊँगा। और लुधियाना क्यों जाना है वो मैं कल के व्लॉग में इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। यह जी जम्मू स्टे, यहाँ मैंने अपनी मास्टर्स के 2.5 साल निकाले हैं। क्या लाइफ थी वो यार, क्या मज़ा आता था यहाँ पर। पहुँच गया जी मैं होटल, मैं आपको होटल टूर दे देता हूँ। ये कुछ होटल रूम है आज का, होटल TRG,
अच्छा बड़ा स्पेशियस रूम है, टीवी लगा हुआ है, यहाँ पे सोफ़ा वगैरह है, एडिटिंग टेबल भी है और वार्डरोब्स वगैरह, टीवी, शीशा जिसमें मेरे बाइसेप्स बड़े कमाल लग रहे हैं माशाल्लाह, और एसी भी है, और ये कुछ वॉशरूम, अच्छा बड़ा वॉशरूम है, स्पेशियस है। तो अभी चेंज करते हैं, तो जी अभी चेंज करता हूँ मैं और थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर वीडियो एडिट करेंगे। डिनर आ गया और डिनर मैंने कर भी लिया और मैं भूल गया मुझे व्लॉग भी करना है। तो डिनर में मैंने मंगवाया था मिक्स वेज, दाल, दही, सैलेड, दैट्स इट, और चपाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी हो गया था, दिन में भी बहुत अच्छा खाना मिला था। तो वहाँ पे मैंने खाए थे पेड़ा, पेड़ा मैं भूल गया क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पे मैंने राजमा चावल खाए थे, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, देसी घी वाला। तो खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया और इस व्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको किसी भी रीज़न से आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक या सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के व्लॉग में बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़। और कल की वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, आप सब लोगों ने जो है भरोसा किया मुझ पर, उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कल मॉर्निंग में हम इंशाल्लाह लुधियाना के लिए निकल जाएंगे।